आपको कानपुर से बताते हैं, जहां पर इरफान सोलंकी की पत्नी फुटफुट कर कोर्ट में रोई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर कोर्टरूम में फुटफुट कर रोई है इरफान सोलंकी की पत्नी। इस वक्त की देखिए बड़ी खबर, पुलिस और सरकार ने परेशान कर रखा है। नसीम सोलंकी ने कहा है कि पुलिस और सरकार परेशान कर रही है, पूरा परिवार परेशान हो चुका है। नसीम सोलंकी की तरफ से ये भी कहा गया है, पुलिस और सरकार परेशान करती है। नसीम सोलंकी यहां पर कोर्टरूम के अंदर ही फूट फूट कर रोने लगी। एक तरह के इरफान सोलंकी का थोड़ी देर पहले हमने आपको बयान बताया, उन्होंने भी कहा कि मुझे परेशान किया जा रहा, बदतमीजी की जा रही है, अभद्रता की जा रही है पुलिस की तरफ से, अगर कहे तो मैं इस्तीफा दे दूं। और अब उनकी पत्नी की तरफ से भी देखिए कहा गया है कोर्टरूम में फूट फूट कर कि उनको, उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, पुलिस और सरकार जो है परेशान कर रही है, सब झूठे केस है, योगी जी इनको छोड़ दीजिए। ये भी कहा, क्या हम क्या पति इरफान सोलंकी को त्याग दे हम, ये भी सवाल किया है। पूरा परिवार परेशान हो चुका है नसीम सोलंकी ने कहा है, और ये भी कहा कि क्या हम अपने पति इरफान सोलंकी को त्याग दे। तो कानपुर कोर्ट में इरफान सोलंकी की पत्नी का यहां पर फूट फूट कर रोना सामने आया, पुलिस सरकार से परेशान दिखी नसीम सोलंकी, उन्होंने कहा कि हमको परेशान किया जा रहा है, सब झूठे केस हैं, योगी जी इनको छोड़ दीजिए। ये भी कहा, कहा कि क्या हम पति इरफान सोलंकी को त्याग दें, नसीम सोलंकी ने ये भी कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि पूरा परिवार जो है उनका परेशान हो चुका है। देखिए इरफान सोलंकी काफी वक्त से देखिए पुलिस की निगरानी में है, पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, काफी दिनों तक वो फरार रहे थे, बाद में कुछ सरेंडर किया था, और उसके बाद से ही देखिए लगातार इरफान सोलंकी उनके परिवार की तरफ से बयान दिए गए हैं वक्त वक्त पर। अब एक बार फिर से देखिए इरफान सोलंकी की पत्नी ने बयान दिया।